नहीं, ये नियम के खिलाफ है, ये तो कानून के खिलाफ है ना। नहीं नहीं, नंबर तो है पीछे, न्यू व्हीकल में नंबर नहीं मिलेगा, उसे चलान मुझे दिए हैं जो मुझे तो ऐसे शामिल नहीं हो सकते ना। सॉरी सॉरी सर, ये बैटरी वाली स्कूटी है इसलिए, अभी जस्ट नहीं हो, न्यू है। न्यू है तो अभी इस पर तो नंबर भी नहीं है, आप यहाँ उसमें ले आए तो ये तो कानून के खिलाफ है ना। हाँ सर बिल्कुल। गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के द्वारा शुरू करी गई सड़क सुरक्षा महीने का समापन हुआ। इस आयोजन को सड़क सुरक्षा को लेकर चलाया गया था, जिसके समापन में शनिवार को एक रैली निकाली गई। ये रैली गाजियाबाद के कवि नगर से लेकर नए बस अड्डे महामाया स्टेडियम तक निकाली गई। इस रैली में ज्यादातर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं के पास स्कूटी थी और स्कूटी के ऊपर पिंक कलर के बैलून लगे हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें ये खड़ा होता है कि जो महिलाएं लोगों को जागरूक करने के लिए रैली में हिस्सा ले रही हैं, उनके वाहनों पर नंबर नहीं है और न ही किसी तरह की कोई नंबर प्लेट। जी सर। अच्छा आपकी स्कूटी है ये? जी सर। अच्छा ये कितनी पुरानी है? सर अभी जस्ट नहीं हूँ, न्यू है। न्यू है जी सर। तो अभी इस पर तो नंबर भी नहीं है, आप यहाँ उसमें ले आए तो ये तो कानून के खिलाफ है ना। हाँ सर बिल्कुल जी। क्या कहेंगे आप इस बारे में, कैसे जागरूक करेंगे लोगों को? सर हमारी न्यू अभी न्यू ली है इसको आज, ये पिंक लड़कियों की, ये सब महिलाओं के, लोगों को यातायात नियमों का जागरूक करने के लिए, जागरूक करने के लिए। अच्छा आपकी, आप कैसे जागरूक करेंगे, आपकी स्कूटी पर तो नंबर भी नहीं है। नहीं नंबर है। कहाँ नंबर है? पीछे नंबर। नहीं तो यही तो है। नहीं ये नियम के खिलाफ है, ये तो कानून के खिलाफ है ना। नहीं नहीं नंबर तो है पीछे। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कुछ पुलिसकर्मी और महिलाएं खुद पूरी तरह से रूल फॉलो नहीं कर रही हैं, वो कैसे इस रैली के जरिए लोगों को जागरूक करेंगी। जनहित टाइम्स के संवाददाता ने वहां मौजूद लोगों और पुलिस वालों से पूछा तो वो लोग उस दौरान सवाल से बचते हुए नजर आए। एक तरफ गाजियाबाद में पुलिस लोगों का चालान काटकर उन पर भारी जुर्माना लगाती है, वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद के इस जागरूकता अभियान में इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां प्रशासन ने रैली में बिना देखे वाहनों को शामिल कर लिया। सड़क सुरक्षा महीने का समापन होने जा रहा है, ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस द्वारा रैली निकाली जा रही है और लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, कवि नगर की ये तस्वीरें हैं। लोग बाइक पर बैठकर यहां से निकले हैं, ज़्यादातर इसमें महिलाएं हैं जो लोगों को जागरूक करेंगी। लेकिन एक सबसे बड़ा जो सवाल है वो इसके अंदर एक सवाल ये है कि जो महिलाएं यहां पर आई हैं, जो स्कूटी से आई हैं, ऐसी बहुत सी स्कूटी यहां पर हैं जिनों पर नंबर प्लेट नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये है कि जब लोगों को जागरूक करने वाले ही जागरूक नहीं होंगे तो वो लोगों को जागरूक क्या करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत सारी बाइकें इसमें ऐसी हैं, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस की रहें, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस इसमें रहे या महिलाएं इसमें रहें, जो महिला पुलिस है वो इसमें रहें, लेकिन बहुत सारी बाइकें यहाँ पर ऐसी देखी जाएंगी जिनकी पर नंबर प्लेट नहीं। जब हमने उनसे पूछा, उनसे बातचीत की कि नंबर प्लेट नहीं है, तो अलग अलग लोगों ने राय बताई, अलग अलग बहाने बताए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये है, जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस द्वारा आज महीने का समापन किया जा रहा है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का जो पूरा महीना होता है जिसका आज समापन होने जा रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।